पिछले 2 सालों से काफ़ी सारी तकलीफें हो रही है यहाँ पे, और बार बार हमने राजभवन को आगाह करने की कोशिश की और मीटिंग्स भी हम लोगों ने की, जबकि आश्वासन भी मिला राजभवन की तरफ से कि 10-15 दिन में जो है आपके मामला हल होंगे, लेकिन ग्राउंड पे आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप देखें कि डिस्ट्रिक्टों में DC हजरातों को तकलीफ़ हो रही है कि वो आवाम से भी मिलना नहीं चाहते, उनने अपने दरवाजे जो है बंद कर दिए। अगर आप R&B की बात करते हो तो आप सड़कों का हालात देखिए, उसके बाद आप देखिए कि ग्रीवेंसेस कितनी है यहाँ के। यहाँ पे आपके काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे कारखाने चलाते हैं, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई बाजरी का काम करता है, उनके जो बिजनेस यूनिट्स बंद किए गए, और उसके बावजूद कि रेगुलरली हम लोगों ने ड्रम पीटा राजभवन के सामने, कुछ हासिल नहीं हुआ। और आज क्योंकि पिछले साल ही हमारा एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मारा गया पुलवामा में, और सरकार जो है कितनी जाने अभी हमारी लेनी चाहती है, कस से मस नहीं हो रही, और हम लोग ने आज मजबूर होकर ये फैसला किया कि हम हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे। जब तक कि राजभवन की तरफ से कोई मौकूल जवाब नहीं आता, हम हंगर स्ट्राइक से नहीं उठे। तो मनमानी है कि ऑर्डर्स आपके इम्प्लीमेंट नहीं होते। हम राजभवन को कागज़ देते हैं, कोई एप्लीकेशन देते हैं, नेक्स्ट डे सेक्रेटरी से वो गुम हो जाता है वो डॉक्यूमेंट्स। कितनी मिसालें हमारे पास जिन कागज़ों का आता पता नहीं। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करना चाहती, और जब तक कि राजभवन जागता नहीं है, वो अपनी आंखें नहीं खोलते, तब तक काम नहीं होगा।